देखिए भारत एट नाइन काबेंद्र चौहान के साथ। गुड इवनिंग एंड वेलकम, भारत एट नाइन देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ काबेंद्र चौहान। क्या करीब 150 साल पहले तक भारत की राजनीतिक शब्दावली में हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन अंग्रेजों की बांटो और फूट डालो की नीति का नतीजा था कि भारत में 1871 में हुई पहली जनगणना के बाद हिंदुओं को एक अलग पहचान दे दी गई। गांधी जी मानते थे कि अंग्रेजों ने यह हिंदू मुस्लिम झगड़ा शुरू किया है, वो जाएंगे तो यह झगड़ा भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और बांटते बांटते अंग्रेज भारत को बांट कर चले गए। आजादी और बंटवारा साथ आए, मतलब बढ़ते बढ़ते हम इतना बढ़ते चले गए कि भारतीय बाद में रह गए पहले हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर सिख, फिर ईसाई बन गए। बांटने का सिलसिला यही नहीं रुका, हिंदू रहे तो उसके अंदर भी ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण, मीणा में बट गए, मुस्लिम रहे तो सिया सुन्नी में बट गए, हमारे बात करने के तरीके बट गए, पहनावे बट गए, खान पान बट गया, भगवान बट गए, समाज बट गया, झंडे बट गए, महानायक बट गए, इतिहास बट गया और अंत में हम खुद भी बट गए। बट गए का मतलब है कि हम कहीं ना कहीं भारत से भी छट गए। भारत में इस वक्त रात है और रात में एक बात है, बात यह है कि क्यों, आखिर क्यों हम इतने अशांत हो चुके हैं, कि क्यों आखिर क्यों हम हर बात में इतना उत्तेजित हो जाते हैं, कि क्यों आखिर क्यों हमको सिर्फ अपना धर्म, अपनी जात ही श्रेष्ठ लगती है, कि क्यों आखिर क्यों हमको अपना झंडा, अपनी जाति का झंडा, अपनी पार्टी का झंडा ही सबसे ऊंचाई पर लहरता देखना, और जहां हमारा तिरंगा सबको एक साथ चलकर मिलकर चलने का संदेश देता है, तो क्यों हम उसके रंगों को भी अलग करके अलग अलग चलने का संदेश देने लग जाते हैं। अगर रंगों का भी धर्म होता तो मुसलमानों को संतरा नहीं खाना चाहिए, नीलबद्री फल पर सिर्फ दलितों का अधिकार होना चाहिए और हिंदुओं को हरी सब्जियां खाना बंद कर देना चाहिए। तो यह हुई प्रतीकों को लेकर होती बंटवारा राजनीति पर काबेंद्र नीति। अब मुद्दे पर आते हैं तो राजस्थान के जयपुर से 10 किलोमीटर दूर गलता तीर्थ स्थित पहाड़ी पर आमागढ़ किला है, इस किले पर 21 जुलाई को एक घटना घटी। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर आया और अब न्यूज चैनलों की सवारी भी कर रहा है। घटना है कि आमागढ़ किले पर जय श्री राम लिखा हुआ भगवा झंडा लगा था, जिसे हटा दिया गया और फाड़ भी दिया गया। घटना के वक्त वहां कांग्रेस विधायक रामकेश यादव भी मौजूद थे। अब जब धर्म, जात, झंडा और नेता एक कहानी के किरदार हो तो बात सियासत के लिहाज से असरदार होती है। घटना छोटी भी है और बड़ी। छोटी इसलिए क्योंकि आमागढ़ किले को आदिवासियों की धरोहर ही माना जाता है और वहां पर उन्हीं का झंडा लगा रहता था, तो उनको पसंद नहीं आया, कोई दूसरा झंडा और उन्होंने हटा दिया। बड़ी इसलिए है कि झंडे पर जो लिखा हुआ था वो भारत की आत्मा है और झंडे का जो रंग था वो यहाँ की बहुसंख्यक आबादी, हिंदुओं का सांस्कृतिक ध्वज। विकिपीडिया पर खोजा तो विकिपीडिया पर मिला कि भगवा रंग में जो लिखा है कि भगवा ध्वज भारत का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक ध्वज है, ये हिंदुओं और बौद्धों के महान प्रतीकों में से एक है, इसका रंग भगवा होता है, ये त्याग, बलिदान, ज्ञान, शुद्धता एवं सेवा महान प्रतीकों में से एक है। इसका रंग भगवा होता है, ये त्याग, ज्ञान, शुद्धता एवं सेवा सबका है। भगवा ध्वज हिंदू संस्कृति और बौद्ध संस्कृति एवं धर्म का शाश्वत प्रतीक है। यही ध्वज सभी मंदिरों, आश्रमों में लगाया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना का यही ध्वज था, प्रभु श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के रथों पर यही ध्वज लहराता था। छत्रपति शिवाजी के अनुसार ध्वज का भगवा रंग उगते हुए सूर्य का रंग, अग्नि की ज्वालाओं का रंग है, उगते सूर्य का रंग है और उसे ज्ञान, वीरता का प्रतीक माना जाता है और इसलिए हमारे पूर्वजों ने इसे सबका प्रेरणा स्वरूप माना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने परम पवित्र भगवा ध्वज को ही अपना गुरु माना है। संघ की शाखाओं में इसी ध्वज को लगाया जाता है, इसका ही वंदन होता है और इसी ध्वज को साक्षी मानकर सारे कार्यकर्ता राष्ट्र सेवा, जनसेवा की शपथ लेते हैं और उनको समझाया जाता है कि राष्ट्र ध्वज तिरंगा के जैसे ही धर्म ध्वज का भगवा ध्वज सम्मान है। तो भारत की स्वतंत्रता के बाद भगवा ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज घोषित करना चाहिए, ऐसा संघ तथा हिंदू संगठनों का आग्रह था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्य कार्यालय नागपुर में हमेशा भगवा ध्वज ही लहराता है, किंतु स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रध्वज तिरंगा को भी मानवंदना दी जाती। तो यह था उस झंडे का महत्व जिसको कांग्रेस विधायक की मौजूदगी में शर्मसार किया गया है, जहां एक वर्ग की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। झंडे के अपमान, तिरंगे का अपमान एक समूचे वर्ग के साथ किया गया अपमान होता है। पूरा मामला समझने के लिए आपको यह रिपोर्ट देखना बहुत जरूरी हो सकता है, लेकिन उससे पहले जरा वीडियो। ये मैं आतंकवादी को
जोत रहे हैं यार भगवान के नाम को। अरे भाई मैं तो मेरे साथ को नहीं यार, मैं ये हिंदुत्व के खिलाफ है भाई साहब आप लोग जो कर रहे हो, ये अच्छी बात है थोड़ी ही है। नहीं भगवान तो छोटे ठहरे भाई साहब, ये गलत चीज सही चीज है कि हमने कितनी मेहनत करके और कितनी ईमान से इस झंडे को लगाया, नहीं कुछ समाज का नाम डाला नहीं को डाला, उसके बावजूद ये बात हो रही है भाई साहब। आप हिंदू आप कैसा बात राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार हिंदू भावनाओं को कुचलने की कोशिश करने का एक और मामला सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के आमागढ़ किले में निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा ने श्री राम लिखे हुए भगवा ध्वज को फाड़कर फेंक दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में स्पष्ट तौर पर देखा जा सकता है कि लोगों की भारी भीड़ आमागढ़ किले पर लहरा रहे भगवा ध्वज को पहले उतारती है और उसके बाद उसे फाड़ दिया जाता है। इसको लेकर हिंदू संगठनों में आक्रोश है। यह कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस शासक राजस्थान में हिंदुओं की भावनाओं को पैरों तले कुचला गया, ऐसा पहले भी हुआ है। आपको बता दें कि इससे पहले आमागढ़ के किले में ही कुछ दिन पहले कुछ ऐसा ही कांड हुआ था। इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के सूचना सलाहकार शलभमणि त्रिपाठी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल और प्रियंका गांधी की अगुवाई में उनकी पार्टी के गुंडे पूरे राजस्थान में हिंदुओं को अपमानित कर रहे हैं। त्रिपाठी ने ट्वीट किया है कि राहुल और प्रियंका जी आपके गुंडे की अगुवाई में समूचे राजस्थान में हो रहा हिंदुओं का ये महाअपमान ही कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील बनेगा। तुष्टिकरण में अंधी कांग्रेस की तरफ से भगवा ध्वज पर चली हर ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा, इंतजार कीजिए। जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो वही इस घटना के बाद से जयपुर में प्रोटेस्ट हुए हैं, प्रोटेस्ट की तस्वीरें भी सामने आई हैं। जयपुर के आमागढ़ में कांग्रेस समर्थित विधायक रामकेश मीणा के एक मंदिर से जबरन धर्मध्वजा उतरवाने और फाड़ने का हिंदुवादी संगठनों ने जमकर विरोध किया। जमकर धर्मध्वजा उतरवाने और फाड़ने का हिंदुवादी संगठनों ने जो जमकर विरोध किया, इस विरोध की तस्वीरें आपको दिखा दी, अब आपको तस्वीरें आगे भी दिखाएंगे। तो हिंदुवादी संगठनों ने जमकर विरोध किया और कहा कि झंडा उतरवाना और लगाना दोनों ही गलत हैं, ऐसा रफीक खान ने कहा है। रफीक खान ने कहा विधायक रामकेश मीणा को बुलाकर बात की थी, दूसरे पक्ष को भी बुलाया, दोनों के बीच समझौते के बाद धर्मध्वजा को हटाया था। रफीक खान ने कहा उन्हें जानकारी नहीं थी कि धर्मध्वजा को फाड़ा गया या गलत तरीके से हटाया गया या उसका अपमान किया गया। जयपुर की ट्रांसपोर्ट नगर थाना पुलिस ने केस दर्ज कर लिया, अज्ञात लोगों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं भड़काने और शांति भंग करने का केस दर्ज है। तो जयपुर में जो प्रोटेस्ट किया गया उसकी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो ये दो तस्वीरें आपने देखी, पहली तस्वीर वो थी जहां पर भगवा झंडा लगाया गया विशालकाय और उसको वहां पर कुछ लोग पहुंचते हैं, अपने आप को कांग्रेस समर्थक बताते हैं और उनके बीच होते हैं रामकेश मीणा जो कि कांग्रेस समर्थित विधायक। इन सबकी मौजूदगी में भगवा ध्वज को फाड़ा जाता है और इस फाड़ने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तैरने लगती हैं और तैरते तैरते किनारे आकर लगती हैं टीवी की गोद में बैठने के स्वरूप। अब ये मसला टीवी का है,
सोशल मीडिया के मसले छोटे होते हैं लेकिन बातें बड़ी करते हैं, टीवी का मसला बड़ी बात करता है और मुद्दा भी बना देता है। तो रामकेश मीणा एक विधायक कांग्रेस, दूसरी तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ आरएसएस और दूसरी तरफ हिंदूवादी संगठन। मामला अब कहीं ना कहीं जातिगत हो चुका है, मामला अब कहीं ना कहीं जातिगत राजनीति का हो चुका है, मामला अब कहीं ना कहीं सियासत का हो चुका है। और जैसा कि कहा जाता है कि जहां भी हल्की सी भी सियासत करने की गुंजाइश होती है वहां नेता सियासत का पहाड़ खड़ा कर देते हैं। तिल का ताड़ बनाने में और राई का पहाड़ बनाने में राजनेताओं का कोई मुकाबला नहीं है। ऐसे में जयपुर में पिंक सिटी में जब एक युवा जाता है, वहां घूमता है, पिंक सिटी के नजारे देखता है, तो वहां से थोड़ी दूर पर एक किले में मौजूद एक झंडे को कुछ लोग उतारते हैं, फाड़ देते हैं और आरोप लगाते हैं कि यहां पर उनके समाज का झंडा होना चाहिए। अगर हर मंदिर, हर चौराहों पर उनके समाज के झंडे लगना शुरू हो जाएंगे तो कैसे चलेगा। इसके साथ ही एक और बात, अगर ऐसा ही होने लगे तो कल को ताजमहल पर कुछ लोग आकर झंडा लगा दें, मुगल झंडा लगा दें कि ये मुगल का है तो इनके ही झंडे होंगे, तो कैसे चलेगा। ऐसा ही लाल किला पर अगर तिरंगा ना फहराया जाए और कोई और अपना झंडा लगा ले तो कैसे चलेगा। ऐसा ही थोड़े दिनों पहले भी हमने देखा था, कि किस तरीके से लाल किले पर निशान साहिब का झंडा लगाने की कोशिशें, और जब वो झंडा लगाने की कोशिशें हुई तो पुलिस, कानून, सरकार सबका डंडा एक साथ चला और लोगों की गिरफ्तारियां, किसान बदनाम। किस लिए एक झंडा लगाया जा रहा है? क्योंकि उस जगह पर तिरंगा झंडा लगना, वहां पर आप अपना झंडा नहीं लगा सकते, तो निशान साहिब ने अपना झंडा लगाया। ऐसे में वहां पर बवाल हो गया, खूब बवाल। आज वैसी ही कुछ तस्वीरें सामने आई, हमने देखा कि किस तरीके से उस किले में, जहां लोग मीणा समाज के लोग कहते हैं कि आदिवासी समाज का ये धरोहर है, आदिवासी समाज का ये किला है, आदिवासी समाज इसको ओन करते हैं, दिस इज अ कॉपीराइट ऑफ आदिवासी समाज, लेकिन वहां पर कुछ लोग ये ध्वज दूसरा लगाना चाहते हैं। और इस ध्वज को लगाने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन ध्वज को फाड़ना गलत था। इस लिहाज से गलत था क्योंकि उस भगवा ध्वज में जय श्री राम लिखा हुआ था। बात बैठकर टेबल पर हो सकती थी, झंडा भी उतर सकता था, लेकिन जिस तरीके से झंडे को उतारा गया वो कहीं ना कहीं झंडे का अपमान है। कई चीजें सही होती हैं लेकिन उसको करने के तरीके गलत होते हैं, ऐसा ही ये पूरा मामला है। अगर आपको झंडा ना पसंद था तो आप झंडे को उतरवा सकते थे, लेकिन झंडे को उतारने का तरीका सरासर गलत था, क्योंकि ये इस देश के कई लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचाता है। और अब जब इस मुद्दे पर राजनीति शुरू हो चुकी है तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा स्वरूप लेगा, क्योंकि जयपुर में जो घटना घटी है उसका वहां से उत्तर प्रदेश रिजल्ट निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं और उत्तर प्रदेश में इसको इनकैश करने की तमाम कोशिशें शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि शलभ मणि त्रिपाठी ने जो ट्वीट किया है वो साफ दर्शाता है कि शलभ मणि त्रिपाठी ने इस मुद्दे को अब उठा लिया, मतलब यूपी बीजेपी ने इस मुद्दे को उठा लिया। और जब एक बड़ी पार्टी एक बड़े मुद्दे को उठाती है तो कहीं ना कहीं विपक्ष भी इस पर जवाब देता है, और जब पक्ष और विपक्ष दोनों एक मुद्दे पर जवाबदेही तय करने लगते हैं तो जनता कहीं ना कहीं आंख मूंद कर सवालों के सैलाब सो जाती। तो ये उस प्रोटेस्ट की तस्वीरें थी जो आपने देखी, हिंदूवादी संगठन लोग कर रहे हैं, मामला दर्ज हो चुका है, मीणा सेवा संघ ने भगवा ध्वज फाड़ने से इंकार करते हुए केवल ध्वज को उतारने की बात कही। तस्वीरें खैर कुछ और कहती, ये कुछ और कहती। आदिवासी मीणा सेवा संघ और गंगापुर से निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा ने आजमगढ़ आमागढ़ फोर्ट को मीणा समाज के आस्था का केंद्र बताते हुए हिंदू संगठनों पर वहां मूर्तियां तोड़कर नई मूर्तियां रखने का आरोप लगाया है। उधर इस मामले में ट्विटर पर जंग शुरू हो गई। आमागढ़ फोर्ट से भगवा ध्वज को फाड़ने और उसका अनादर करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उस वीडियो में रामकेश मीणा भी दिख रहे हैं, साफ दिख रहे हैं।
तो ट्विटर पर आमागढ़ मामले में एक पक्ष रामकेश मीणा के पक्ष में तो दूसरा विरोध में ट्वीट कर रहा है। ट्विटर पर अरेस्ट रामेश मीणा और मैं रामकेश मीणा के साथ हूं ट्रेंड कर रहा है। एक पक्ष भगवा ध्वज के अपमान का मुद्दा उठाते हुए निर्दलीय विधायक रामकेश मीणा की गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। दूसरा पक्ष आमागढ़ को मीणा आदिवासी समाज की आस्था का केंद्र बताते हुए रामकेश मीणा के समर्थन में खड़ा। तो ये दो पक्ष कहीं ना कहीं थोड़ा सा संभल कर, कहीं ना कहीं थोड़ा सा धैर्य के साथ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचने जरूरत है। जरूरत इसलिए है कि क्यों एक प्रतीक कई हजार लोगों के जीवन पर सीधा प्रभाव डाल दे? क्यों मीणा समाज अपने आप को अलग समाज बताता? क्यों मीणा समाज इस तरह से आहत हो जाता है? अगर हम जय श्री राम और राम को इस देश की आत्मा कहते हैं तो हमको क्यों देश के ही किसी कोने में उनका लिखा हुआ ध्वज पसंद नहीं आता? जब देश के बड़े बड़े महानायकों ने, जब देश को आजादी दिलाने वाले बड़े बड़े लोगों ने, बड़े बड़े महानायकों ने, बड़े बड़े शूरवीरों ने इस ध्वज का सम्मान किया है, तो कौन होता है रामकेश मीणा जो इस ध्वज को उतार कर अपनी वीरता समझता? कौन होता है रामकेश मीणा जो इस ध्वज को उतार अपनी वाहवाही कराने की कोशिश करता? रामकेश मीणा से सीधा सवाल कि रामकेश मीणा कांग्रेस में कितने नंबर बना लिया? 10 में से कितने नंबर देंगे राहुल गांधी? फोन पर बात हुई हो तो पूछिए कि आपकी यह हरकत, मैं बहुत अच्छे लिहाज से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपकी यह हरकत कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी सियासत गंध का परिचय। राम के नाम पर बार बार सनातन धर्म को, बार बार हिंदू धर्म को, बार बार इस तरह से अपमानित करना सिर्फ सियासत नंबर गेम बनाना है, सिर्फ कांग्रेस के शीर्ष लीडरों के पास ये दिखाना कि देखो मैंने किस तरह से सनातन का अपमान किया है, कि देखो मैंने कैसे हिंदुओं का अपमान किया है, आपकी सोच दिखाता है। और इसमें कहीं ना कहीं दोषी है राहुल गांधी, क्योंकि ऐसे नेताओं को आप अपनी पार्टी में रखते हैं। और ये पहला मसला नहीं, बार बार राजस्थान में क्यों हिंदुओं का अपमान होता है, क्यों सनातन का अपमान होता है, क्यों होता है? महाराष्ट्र के पालघर में संतों की हत्या होती है, साधुओं की हत्या होती है, आपके मुंह से शब्द नहीं निकलता। राजस्थान भगवान शिव की मूर्तियां खंडित की जाती हैं, आपके मुंह से शब्द नहीं निकलता। रामकेश मीणा जैसा एक छुटबैया विधायक जय श्री राम लिखा हुआ ध्वज नीचे उतारता है, फाड़ देता है, आपके मुंह से शब्द नहीं निकलता। अगर शब्द नहीं निकलता तो जब नतीजे आते हैं तो ईवीएम के सर पर काहे बातें फोड़ते हो मिस्टर राहुल गांधी? और रामकेश मीणा, अशोक गहलोत के चाटुकार, एक बात साफ और सीधी, आपने जो कृत्य किया उसके लिए आपको देश माफी मांगनी चाहिए। इससे ना इंची आगे एक बात, इससे ना इंची पीछे एक बात, सिर्फ माफी। देश के लोगों का अपमान करेंगे, बार बार करेंगे, सनातन धर्म का अपमान करेंगे, बार बार करेंगे, और
बाकी दर्शकों देखिए जो मामले संवेदनशील होते हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति का फायदा करते हैं। इस मामले में भी राजनीति के चक्कर में कहीं ना कहीं हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया है। बाकी धर्म हमारा व्यक्तिगत मसला हो सकता है, लेकिन जहां इतनी ज्यादा संख्या में हिंदू रहते हो वहां थोड़ा संयम भी जरूरी है। और कांग्रेस पर लगातार इस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि वो हिंदू भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने में माहिर है। बाकी धर्म उम्मीद का मसला है, और धर्म अगर हमें उम्मीद देता है तो ये सबके लिए सभी शक्लों में ठीक है, तब तक जब तक कि हम इसके एवज में किसी से नफरत करना ना सीख जाए, क्योंकि धर्म सिर्फ प्रेम सिखाता है। जयपुर का मसला प्रेम भाव से भी सुलझाया जा सकता था, लेकिन रामकेश मीणा ने इसे आग दी, इसे नफरत में झोंका है। और रामकेश जैसे मीणा जैसे लोगों को और इन जैसे लोगों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। ये जैसे लोग नफरत फैलाते, मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूं कि अपने प्रोग्राम में संयम से रहूं, संयम बरतता रहूं, लेकिन ऐसे लोगों को उनकी औकात दिखाना भी जरूरी होता है। बाकी एम्स का एक वीडियो, इस वीडियो को देखिए कि कैसे भगवान की प्रतीकात्मक चीज है, चाहे वो सुनने में हो, देखने में हो, बोलने में हो, कहीं ना कहीं हमें जीने की उम्मीद देती है। प्रोग्राम बाइंड अप करूंगा, लेकिन उससे पहले ये वीडियो आप देखिएगा और सोचिएगा कि हम अपने जीवन में धर्म का किस तरीके से बखूबी इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो देखिए। हाँ जी, युक्ति शुरू हो जाओ। हनुमान चालीसा जब तुम्हारा ब्रेन ट्यूमर निकाला जा रहा है, लाइक किसा दीजिएगा। राम काज सुनी बोको आतुर प्रभु चतुर सुनु मन गतिया। तो दर्शकों ये वीडियो जो आपने देखी, इस वीडियो को दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि एम्स के अस्पताल में एक लेडी की सर्जरी हो रही थी। सर्जरी के वक्त वो बहुत डरी, बहुत सहमी थी, लेकिन उस वक्त वहां मौजूद डायरेक्ट जो डॉक्टर्स थे वो उससे कहते कि आप किस चीज से क्या करने से डर कम आपको लगता है। उन्होंने कहा मैं हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ तो मुझे कम डर लगता है, और डॉक्टरों ने कहा कि ठीक है आप हनुमान चालीसा पढ़िए, आपकी सर्जरी चल। और उस लेडी की इस सर्जरी का वीडियो था जो डॉक्टर्स ने बनाया था, और उस लेडी ने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए अपनी सर्जरी की। और बाद में उस लेडी ने कहा कि हनुमान चालीसा पढ़ते वक्त उसको ऐसा लगा कि उसके शरीर कहीं डॉक्टर किसी भी प्रकार की सर्जरी नहीं कर रहे, बल्कि वो अपने आप को काफी निडर महसूस कर। धर्म हमें यही सिखाता है कि हम किस तरीके से जीवन जिए, हम किस तरीके से साथ रहें, हम किस तरीके से प्रेम भाव में जीने के लिए अपनी ताकत खोजें। फिलहाल के लिए आज इतना ही, कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी न्यूज़ ऑन इंडिया के नए एपिसोड भारत।
भारत नेट 9 नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।